अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग कैरियर से होंगे। आज के इस वीडियो के टॉपिक से आपको पता तो चल गया होगा कि मैं बेसिकली किस चीज़ के अबाउट बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ चैट जीपीटी प्लस अपवर्क। अब अपवर्क पे बहुत सारे लोगों की इंग्लिश वीक होती है या उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि हुक्स किस तरह से लिखने हैं और जो अच्छी कॉपी राइटिंग के अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल वो किस तरह से लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प करेगा चैट जीपीटी और किस तरह से इसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जी हाँ, सेम टेक्टिक्स को यूज़ करते हुए मैंने अपने लिए कन्वर्जन ली हैं। दो प्रोजेक्ट्स मैंने लिए हैं इन सेम टेक्टिक्स को यूज़ करते हुए, एक $1100 का और एक $400 का। रिसेंटली ये पिछले दो दिन की बात है, तो मैं सेम वही टेक्टिक्स आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से आप एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हो किसी भी जॉब के अकॉर्डिंग अपवर्क के ऊपर यूजिंग चैट जीपीटी। ओके जी, तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक जो है ये एक जॉब है, ठीक है, हमने उसको लिया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास चैट जीपीटी ओपन है। अच्छा, ये इसकी केस स्टडी मैं आप लोगों का भी इसी लेक्चर के एंड के अंदर बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट राइट नाउ अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह से अप्लाई करते हैं अपवर्क के ऊपर चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रपोजल जनरेट करते हैं। राइट नाउ मैं यहाँ पे इसको एक न्यू चैट पे ले आता हूँ। न्यू चैट पे लेके आने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है कि इस जॉब को उठाना है कुछ इस तरह से और इसको ले आना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर इस तरह से ऐड कर देना और उसके बाद इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, ये जॉब है, और राइट अ शॉर्ट बट ब्रीफ प्रपोजल अबाउट दिस जॉब। ठीक है, मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी और एंटर किया। इसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेटेड स्टाइल के अंदर मुझे क्या करके देगा, एक प्रपोजल लिख के देगा। अब एग्जैक्टली यही प्रपोजल मैंने उठा के सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो वो मैंने क्या चीज़ें ऐड करनी है, जब तक ये लिखेगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ के ऊपर। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने देखी एक छोटी सी टेम्पलेट डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, इस टेम्पलेट को मैं कॉपी करूँगा। इस टेम्पलेट को कॉपी करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे लेट्स से बाय प्रोजेक्ट डिटेल ओके, यहाँ से मैं लेस देन वन मंथ और यहाँ पे मैंने वो जो टेम्पलेट, सॉरी वो मेरे ख्याल से टेम्पलेट कॉपी नहीं हुई, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये एक छोटी सी टेम्पलेट है, अब इसको मैंने किस तरह से मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि चैट जीपीटी ने क्या चीज़ें लिखी हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करना शुरू करूँगा, ठीक है, ओके, यहाँ तक, दैट्स ऑल आई थिंक, यहाँ तक ही जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं जो चैट जीपीटी ने पिक की और क्लाइंट को बता दिया। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट को यही बताना होता है कि आपका काम है क्या और मैं इसको किस तरह से करूँगा। डेयर क्लाइंट, यहाँ पर आप क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं या फिर हेलो लिख सकते हैं, ठीक है, मैं नॉर्मली इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें, चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे अंदाज से उन रिक्वायरमेंट्स को पिक किया और इन दो पैराग्राफ में दो दो लाइन के बिल्कुल शॉर्ट तरीके से उसको समराइज कर दिया कि क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है और मैं क्लाइंट को क्या दे सकता हूँ, यहाँ से उसने समराइज कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे फिर काम आ जाती है हमारी टेम्पलेट। अब यहाँ पे मैंने एक हुक दिया है कि अगर आप चाहते हो तो हम क्लाइंट एक कॉल पे भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हो इस प्रोजेक्ट के अबाउट, राइट। तो इससे क्लाइंट को क्या आएगा कि जो फ्रीलांसर है वो कॉन्फिडेंट है अबाउट दिस जॉब, वो फेस टू फेस बैठ के बात करने के लिए भी रेडी है, राइट। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक है। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे जो है इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, अपने यूआरएल्स दे सकते हो अपने पोर्टफोलियो के, ठीक है, 4 से 5 अच्छे अच्छे से यूआरएल आप दे सकते हो। अब यहाँ पे यूआरएल और वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो मेरा सारा पर्सनल वर्क है और नॉर्मली लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने यूआरएल्स डालोगे जो भी आपका रिसेंट वर्क है, मतलब पोर्टफोलियो शो करवाओगे। और यहाँ पे देखें एंड के ऊपर, यहाँ पे हमारी बिल्कुल बेसिक सी एंडिंग है, राइट। अब यहाँ पे कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि प्रपोजल को जितना हो सके फॉर्मेटेड रखिए,
दूसरी बात, प्रपोजल को बोर ना होने दीजिए कि वो इतना लेंथी आप लिखते जाएं, कभी भी लेंथी प्रपोजल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। अपनी तारीफ करने से ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना चाहिए क्लाइंट की प्रोजेक्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्लाइंट को आप लोगों ने वापस समझाना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ये थी, इसका सोल्यूशन मैं आपको इस तरह से दूंगा। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी प्रपोजल राइट करते हुए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दे दी कि क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है और इसका सोल्यूशन हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ हुक्स दे दिए और आप एक से ज़्यादा भी हुक्स दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बेसिक सी राइटिंग की हुई है, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह से आई इन्वाइट यू टू सी माई रिसेंट वर्क विच आई डिड फॉर माई प्रीवियस क्लाइंट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा लेंथी करके। लेकिन फिर उसके साथ साथ ये आइकन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पूरे प्रपोजल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंस्टेड ऑफ के सिंपल आप टेक्स्ट लिखते जाएं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो चैट जो मेरी क्लाइंट के साथ हुई थी। तो बेसिकली मैंने इस तरह से प्रपोजल भेजा, प्रपोजल भेजने के बाद क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि आप क्या टाइम फ्रेम लोगे और क्या चार्जेस लोगे। तो मैंने देखे यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी तरह से सेम एक अच्छे से प्रपोजल मैंने सेंड किए क्लाइंट को। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक रैंडम सी अपना जो मेरी बात थी उसको मैंने चैट जीपीटी को दिया कि मैं नॉर्मली $1300 चार्ज करता हूँ, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा $1100 चार्ज करूँगा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैं क्लाइंट को मैसेज करता तो दैट लुक्स अ लिटल वेग, राइट। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को दिया और इसे कहा कि आप इसको थोड़ा अच्छा कोटेड फॉर्म के अंदर मुझे लिख के दो। और यहाँ पे देखें चैट जीपीटी ने कितने अच्छे तरीके से इसको मुझे लिख के दिया और ये एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट मैंने क्लाइंट को भेजा था। क्लाइंट को भेजने के बाद फौरन क्लाइंट ने मुझे क्या कर दिया, मुझे ऑफर भेज दी जो कि मैंने एक्सेप्ट की। और उसके बाद फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि आल्सो ऐड सम क्वालिटी वर्क, और यहाँ पे देखें माई प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, राइट अ फीडबैक। जैसे ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ क्लाइंट ने मुझे ऑफर भेजी, उसके बाद मैंने क्लाइंट को ये वाला दोबारा से भेज दिया क्लाइंट का नाम शाम लिख के और यहाँ पे एक अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखें आपको कितना फाइन ट्यूनिंग मिल रही है आपके वर्ड्स के अंदर कि आप नॉर्मल सी बात कर रहे हो लेकिन चैट जीपीटी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपीराइटेड स्टाइल के अंदर आपको दे रहा है और उसको जब आप क्लाइंट को भेजते हो तो डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिलता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता किस तरह से फ्रीलांसिंग काम की करती है, अपर पे किस तरह से काम करते हैं फाइवर से, तो डिटेल प्लेलिस्ट मैंने ऐड की हुई है, उनको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना, उसके अबाउट भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने चैनल के ऊपर, उसको जाके देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ ही मैंने एक व्हाट्सअप का नंबर भी अटैच किया है, वहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सअप पर टेक्स्ट करके अपना नाम और सिटी भेज सकते हैं ताकि आपका नंबर मैं सेव कर लूँ और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकें और उस कम्युनिटी के अंदर हम इकट्ठे जुड़े रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।